जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे Xiaomi Mi A3 के लिए एक बहुत ही बेस्ट लॉन्चर के बारे में। इस लॉन्चर में आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिल जाएंगे, जैसे कि आपको लगेगा कि आप स्टॉक एंड्रॉइड की जगह कोई ऐसी UI को यूज कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों अगर इस लॉन्चर की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को देखेंगे, सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वॉलपेपर मिल जाते हैं और आपको होम स्क्रीन से ही एक ऑप्शन मिलता है वॉलपेपर को चेंज करने का। आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको एक वॉलपेपर की बटन है, आप इस पर जैसे ही प्रेस करेंगे आपका वॉलपेपर तुरंत चेंज हो जाएगा। उसके बाद भी जो नेक्स्ट वॉलपेपर आएगा वो बहुत ही कमाल का होता है, तो किसी इस तरह से आप अपने वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। उसके साथ मैं आपको बताऊं तो आपको नीचे से नोटिफिकेशन बार का भी ऑप्शन मिल जाता है अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं तो, और यहाँ भी आपको बहुत सारे शॉर्टकट के ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर चलते हैं एप्लीकेशन ड्रायर में तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं और उनके फॉन्ट भी थोड़ा सा अच्छे दिखते हैं क्योंकि आपको पीछे एक बुके इफेक्ट मिलता है। आपके होम स्क्रीन पर जो भी वॉलपेपर होता है उसका बुके इफेक्ट आपको ऐप ड्रायर में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल का और अमेजिंग लगता है। हम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी फॉन्ट के कलर है उनका भी कलर में इन्हांसमेंट है, उसके साथ ही उनकी साइज भी थोड़ा सा बड़ी है जिससे फॉन्ट के कलर काफी अच्छे से विजिबल भी हो रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आप अगर स्क्रीन पर डबल टैप करते हैं तो आपका फोन तुरंत ही अनलॉक भी हो जाएगा, तो जो कि आपको बहुत ही अच्छा फीचर मिलने वाला है क्योंकि आपको पता है कि Mi A3 में स्टॉक एंड्रॉइड होने की वजह से आपको ये जेस्चर नहीं मिलते हैं, लेकिन इस लॉन्चर में आपको बहुत सारे जेस्चर भी मिल जाते हैं। अगर हम और भी जेस्चर की बात करें तो आपको बता दें यहाँ से आपको बहुत सारे जेस्चर के ऑप्शन मिलेंगे। जैसा कि आप लोग देखेंगे अगर आप अपने होम स्क्रीन पर डबल टैप करते हो तो आपको इतने ऑप्शन मिलते हैं, आपको उनमें से जो भी ऐड करना हो ऐड कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप स्वाइप डाउन नीचे करते हो, अगर आपको दो फिंगर स्वाइप अप करते हैं तब भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको जितने भी जेस्चर यूज करने हो आप उन सारे जेस्चर्स को यहाँ पे यूज कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कमाल के जेस्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप लोग को इतना कुछ तो बता दिया, लॉन्चर का नाम बताया नहीं, मैं आपको बता दूं ये लॉन्चर है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर। आप लोग को ये गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा जो कि आप सिंपल सा इंस्टॉल कर लेंगे। इसकी साइज करीब 25 से 30 MB की है, बहुत ज्यादा साइज भी नहीं है और बिल्कुल ही एड फ्री है, और ये लॉन्चर भी आपको फ्री में ही मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आप इसको जितना यूज करेंगे, मैंने इसको पिछले 2 दिन से यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप कोई भी एड देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ मैं आपको बताऊँ तो लॉन्चर सेटिंग में आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, अगर थीम की बात हो चाहे डार्क थीम हो लाइट थीम हो, जैसा कि आपको पता है सारी चीजें आपको वहाँ भी मिलती हैं, आपको यहाँ भी वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फीचर मिलता है जो कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप मैक्सिमम 9 डॉक को ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कमाल का लगता है, आपको सेटिंग के ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं मैक्सिमम 9 डॉक को आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। उसके साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलता है शो बैकग्राउंड, अगर आप शो बैकग्राउंड को हटा देते हैं तो आप में यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं आएगा, अदरवाइज आपको बैकग्राउंड भी शो होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे आइकन शेप को भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको राउंडेड, स्क्वायर, राउंड, टीयर ड्रॉप, यहाँ पे सारे आइकन शेप भी मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपको इतने फीचर्स ये मिलते हैं। दोस्तों इस लॉन्चर के डिमेरिट की बात करें तो हम आपको बता दें यहाँ पे आपको जेस्चर नेविगेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है, बाकी सारे फीचर तो आपको जो एंड्रॉइड 10 के हैं सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपके फोन में जेस्चर नेविगेशन नहीं मिलता है तो आपको ये 3 बटन या 2 बटन को ही यूज करना होगा अगर इस लॉन्चर को यूज करना है तो। बाकी इस लॉन्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं और इसके फीचर्स को एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपको बता दें हमने पोको लॉन्चर पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, आप लोग जाके वो वीडियो को देख लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको हमारे चैनल पे Mi A3 से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, उनमें से कुछ वीडियो जिनको हम आपको बताएं तो एक तो है फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेकर, जिसपे हमने 2-3 वीडियो बनाई जिसमें हमने आपको बताया है कि आप फिंगरप्रिंट के एनिमेशन वाइब्रेशन को डिसेबल इसे इनेबल कर सकते हैं, तो सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाके सारी वीडियो को चेक कीजिए। उसके अलावा जून मंथ के अपडेट के बारे में हमने एक वीडियो बना रखी है कि आपको नए अपडेट में क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको इस माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर की वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।